Hello and welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are going good and doing great in your lives. So aaj ki video mein I'll be showing you like some great memories and whatever I have vlogged in my first ever solo work trip. Well, the work trip has been in Dehradun itself. Dehradun mein main kafi time rahi hu, but this time I went there just for the work purpose. Jahan pe maine work kiya tha unhone mujhe stay provide kiya tha and फिर मैंने वहाँ पे रहा था. वट एवर द मेमरीज आई हैव क्रिएटेड, वट एवर द थिंग्स आई हैव डन इन दैट वर्क ट्रिप आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो के अंदर. बट बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू हियर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल जिससे आपको कोई रीच्ड द स्टेज जहाँ मुझे रुकना है. So let me show you the like the room and everything. Well, that's the entrance. यहाँ पर एक बेड है, then picture and everything. ये room बड़ा सा काफ़ी. Then there is like a washing area and कुछ crockeries वगैरह, coffee and everything, toiletries वगैरह सब रखी हुई है यहाँ पे. Here is a full length mirror and then we have a washroom जिसमें mirror भी है and there's a like again tiny washroom. ओके, सो बेसिकली आई एम वेरी लेट टुडे. अभी फटाफट से फ्रेशन अप होती हूँ एंड आई हैव टू गो टू द लोकेशन क्योंकि कॉल टाइम 1 बजे का था और मैं 1 बजे यहाँ वेन्यू पर ही पहुँची और अभी फ्रेशन अप होना है बिकॉज आई केम फ्रॉम द ट्रेन. सो फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं एंड आई विल गो द प्लेस. ओके पीपल, सो जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 2 बजे कर दी गई है. सो आई थिंक आई शुड गो एंड ग्रैब सम लंच फॉर माई सेल्फ पहले क्योंकि 1 बज के अभी 2 बजे का मैं बहुत बिजी होने वाली. तो आई थिंक आई शुड गो एंड ग्रैब सम लंच फॉर माई सेल्फ. इस लोकेशन में पहले भी आ चुकी हूँ. हमारे जितने भी मतलब इस जिसमें मैं काम करती हूँ जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इसी लोकेशन पर होता है, शोक स्पा रिजॉर्ट्स पे. सो अभी आई एम गोइंग टू ग्रैब सम लंच फॉर माई सेल्फ. लेट मी शो द लोकेशन वंस अगेन. यहाँ पे कोई शूट वगैरह भी चल रहा है आज. यहाँ पे तो कोई शूटिंग टाइप चल रही है, मतलब कोई मूवी या किसी शूट होता रहता है देहरादून में, तो वो चल रहा है. सो जो रेस्टोरेंट आया था वो बुक कर रखा था वो शूटिंग वालों ने, तो उन्होंने हमसे ऑर्डर ले लिया है एंड दे विल सेंड इट टू माय रूम. सो वही जा रही हूँ मैं. सो दिस इज माय रूम और इधर एक और रूम भी है. इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मैंने स्वेटर पहन के गई हूँ, मुझे लिटरली पसीने आ गए. बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे. मतलब मेरे को सुबह जितना ट्रैवल करते समय ठंड लगी थी, आई वॉज वेरी लाइक लॉन्ग बफर्स जैकेट, बट अभी इतनी गर्मी लग रही है आई थिंक आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्वेटर एज वेल और सिर्फ एक टी शर्ट पहनने वाली हूँ अभी. ओके सो मेरा लंच आ गया और ये देखो तुम लोग बताए चुप क्यों गए. नीला मुझे देखी तो चैनल प्रमोट कर दूंगी. ओके गाइस, तो यहाँ पे सब चेंजिंग एंड एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे जो ड्रेस वो होता है अलॉटमेंट हो रहा है पूरा, वो एक चीज चल रही है आज. अभी हर जगह आप देखते हो सब क्या पागल हो रखे हैं, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे सब जगह ड्रेस अलॉटमेंट चल रही है. तो आज यहाँ पे क्रिसमस पार्टी भी चल रही थी, जो केक मिक्सिंग सेरेमनी होती है वो चल रही है यहाँ पे. तो हम यहाँ से पहले तो गए रेस्टोरेंट एरिया में क्योंकि हमें कुछ खाना भी मतलब चाय वगैरह पीनी थी बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो दीज आर द पीपल आई एम वर्किंग विथ. सो इनसे मैं पहली बार मिली हूँ, दे आर इन द एजेंसी बट इनसे पहली बार मिल रही थी. एंड पूरा डेकोर आप देखोगे इट वॉज सो प्रिटी एंड बहुत ही अच्छा डेकोर किया गया था एवरीथिंग. यहाँ पे ऐसे शूट भी चल रहा था और पार्टीज भी, यहाँ पे बहुत चीज़ चल रही थी आज ही आज में. सो हमने यहाँ आगे फिर दूसरे रेस्टोरेंट में गए, मतलब यहाँ पे इनके पास 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं तो हम यहाँ पे चाय मंगाई हमने यहाँ पे. ओके सो आज के दिन में ज़्यादा कुछ काम तो ऐसा था नहीं, बट इट वॉज जस्ट लाइक अलॉटिंग क्लोथ्स और अलॉटिंग डिजाइनर्स टू द मॉडल्स एंड डिजाइनर लाइक मॉडल्स टू डिजाइनर्स एंड डिजाइनर टू मॉडल्स लाइक काइंड ऑफ थिंग. और डिस्कशन किया कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है. अलॉन्ग विद दैट अभी मुझे सिक्वेंसिंग प्रिपेयर करनी है, जो मैंने आपको बताया था. मतलब आज का दिन सॉर्टेड है, काफ़ी ज़्यादा कुछ था नहीं एंड आई एम लाइक इन्जॉइंग टूडे एंड इट फॉर मी इट इज़ एक्चुअली लाइक अ सोलो ट्रिप, सोलो वर्क ट्रिप यू कैन से. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. अगेन आई फील सो कोल्ड, बहुत ठंड हो रही है. मैंने बताया था कि अभी मैं चाय पी थी एंड वी वर डिस्कसिंग सम थिंग्स एंड एवरीथिंग ऑल, बट वी वर ऑल्सो वॉकिंग. तो बाहर जैसे हम निकले इट इज़ एक्चुअली वेरी कोल्ड. लाइक देहरादून का वेदर इज़ जस्ट सो अनप्रडिक्टेबल कि कभी भी बारिश, कभी भी ठंडी, कभी भी बहुत गर्मी. इट्स लाइक दैट एंड मोस्टली मैं जब से 3-4 साल से मैं यहाँ पे हूँ सो इट इज़ लाइक दिन और रात में बहुत ठंडी एंड दोपहर इज़ लाइक वे टू हॉट. सो अभी तो ऐसे चल रहा है एंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ गर्म से लाइक कॉफ़ी और समथिंग आई विल बी मेकिंग. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं.
ओके सो यहाँ पे मिल्क पाउचेस रखे हैं, कॉफ़ी भी रखी है, शुगर फ्री भी रखा है एंड शुगर भी रखा है, ब्राउन शुगर, नाइस यार। एंड ग्रीन टी भी है, चाय भी है। ओके पीपल, सो आई मेड दिस कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड मैंने इसको मिल्क पाउडर एंड लाइक गर्म पानी से बनाया है। ऑल्सो लाइक अभी आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस कॉफ़ी एंड इन्जॉय लाइक दिस कोल्ड वेदर एंड मतलब कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना, बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्जॉय लाइक अ सोलो वर्क ट्रिप। मतलब इट फील्स लाइक खुद को ही कि आपने कुछ अलग कर रहे हो अपने लाइफ में। इट इज़ एक्चुअली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कि आप अकेले सोलो ट्रिप के लिए आ रहे हो, देर इज़ नो फ्रेंड्स एंड देर इज़ नो वन, बट इट्स जस्ट यू एंड योर वर्क। सो इट फील्स गुड, इवन दो आई नो द पीपल विथ हुम आई एम वर्किंग विद देम लाइक सिंस पास्ट सो मैनी ईयर्स एंड आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, लाइक देयर जॉब फैमिली। सो हिमालयन बर्ड्स, जिसके मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ एंड लास्ट टाइम भी आई थी वेन मैंने आपको शायद शेयर किया था क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम देयर डूइंग द इवेंट्स। सो अभी आई एम जस्ट इन्जॉइंग बाय माई सेल्फ गाइस। सो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने में, कॉल आके सर वगैरह सभी बैठे, तो आई एम गोइंग टू हैव सम डिनर। लेट मी सी कि मेरे को क्या मिलता है डिनर में। ओके सो वी आर हैविंग लाइक इंडियन डिनर जिसमें दाल सब्जी रोटी है, सो वी आर हैविंग दैट। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। यस्टरडे वाज लाइक लॉट ऑफ वर्क, मेरे को अपने रूम पे आके 2 बजे तक काम करना पड़ा था, लाइक डूइंग फॉर सीक्वेंसिंग एंड एवरीथिंग ऑल। तो वो करा, उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें होती है करनी होती, छोटी छोटी सी बट बहुत सारी होती है वो। सो आई डिड दैट एंड आई स्लेप्ट। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि उठ गई तो पहले ग्रीन टी बनाती हूँ अपने लिए, बिकॉज बहुत ठंडा हो रहा है, मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा कि बहुत बजी बजी सी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी बनाती हूँ पहले अपने लिए। गाइस लेट मी टेल यू, दिस प्लेस लुक सो प्रिटी, और सुबह तो और अच्छी एकदम मीठी मीठी धूप हो रही है एंड इट वॉज फीलिंग सो कोल्ड इन साइड। तो अपनी ग्रीन टी लेके आई, जस्ट केम आउटसाइड, जस्ट हैव टू हैव अ वॉक अराउंड। सो आई एम प्लानिंग टू जस्ट सिट नियर माई स्विमिंग पूल आई गेस सो, एंड जस्ट इन्जॉय द वेदर एंड एवरीथिंग एल्स। ओके दैट्स द पूल बिहाइंड मी एंड आई गेस तो सब सो ही रहे अभी भी, बिकॉज देयर इज नोबडी। आई जस्ट सॉ 2-3 स्टाफ, फीमेल स्टाफ, दे आर वर्किंग अराउंड एंड आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई ग्रीन टी बाय माई सेल्फ इन द लाइक नियर बाय पूल एंड जस्ट वॉकिंग अराउंड। इट फील्स रियली गुड, काफ़ी ऐसा मौका मिलता नहीं है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय इट एंड हैव द मोस्ट ऑफ इट। सो नेक्स्ट अप अगेन मैं यहाँ बैठी हूँ और सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं इवेंट के लिए ही, एवरीथिंग एल्स। पीपल सो आई गॉट रेडी, क्योंकि अभी सब मॉडल्स आ चुके हैं एंड मुझे उनको मैनेज करना है, उनको शो स्टैंडिंग डिजाइनिंग जो भी होता है वो सब करना है। सो आई एम गोइंग देयर, तैयार वैर होके लेट मी शो यू हाउ आई लुक। आई फील डेफिनेटली आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई लाइक माई सेल्फ राइट नाउ। तो ठंड थी होनी, तो मैंने सोचा कि लाइक मे बी आर जस्ट लाइक अ क्रॉप टॉप एंड अ पैंट। सो अभी मैं जा रही हूँ जस्ट टू गाइड द मॉडल्स, या उनके फॉर्मेशंस रहेंगे एंड एवरी थिंग एंड सब कुछ वहाँ पर जाके देखते हैं। लेट्स गो देयर। ओके सो ये सब बैठे हुए यहीं पे। वेल आई यूज टू ऑल्सो डू द मॉडलिंग एंड रैम शोज, बट इस टाइम पिछले 2 टाइम्स एक्चुअली मैं डिसाइड किया कि मैं शो क्रियोग्राफी एंड बैक स्टेज और मैनेजमेंट टीम में ही रहूँगी। सो आई एम डूइंग दैट एंड अभी सबको मैं क्रियोग्राफी बता रही हूँ कि हाउ टू वर्क एंड हाउ नॉट टू एंड लाइक वॉट इज ऑल गोइंग टू हैपन। सो मैं उनको गाइड कर रही हूँ पूरा लाइक शो क्रियोग्राफी की तरह। ये शो क्रियोग्राफी करने के बाद हम लोग लंच कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें जाना है मेकअप टीम के पास एंड यहाँ आप देख सकते हो मेकअप टीम पूरा मेकअप कर रही है, एवरीथिंग एल्स हैपनिंग एंड यू कैन सी कितना सुंदर डेकोर हुआ है, बहुत ही अच्छा डेकोर हुआ है। काफ़ी बड़ा हॉल इस बार हमने बुक करा है, तो इट इज़ रियली प्रिटी एंड काफ़ी अच्छे से मतलब बुफे वगैरह सब लगा हुआ है। पीपल्स मैं रेडी हो चुकी, यू कैन सी अपने आउटफिट में स्कर्ट पहना है मैंने, टेनिस स्कर्ट एंड स्टॉकिंग्स, बूट्स एंड माई क्रॉप टॉप एंड मेकअप बहुत ही नेचुरल सा अगेन लाइट सा किया है मैंने। तो आई एम गोइंग टू द वेन्यू, सब कुछ अरेंज करके वहाँ से आ गई थी वेन्यू से एंड आई वॉज लाइक फटाफट से मैं रेडी होकर आती हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक गुड एज वेल। सो अब मैं जा रही हूँ वापस से वेन्यू पे। हेलो गर्ल्स, तेरा शकल नहीं आया उधर।
फ्रेंड्स विद मी लाइक हम लोग यहाँ पे साथ में काफ़ी शोज़ कर चुके हैं एंड वी आर लाइक हैविंग चिट चैट विद ईच अदर. हम काम बहुत मज़े भी करते हैं एंड डेकोर तो बहुत अच्छा हो रखा था एंड काफ़ी भीड़ और अब से तो मतलब शोज़ हो चुके थे, सब लोग डिनर करने आए. अब बोल दो आप हाय. इन्होंने मुझे आज बहुत परेशान किया है. सो अगेन पोस्ट शो हम लोग सब डिनर कर रहे हैं साथ में. मैं शो की ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाई बिकॉज अगेन आई वॉज वर्किंग देयर, तो मुझे ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाई. बट हाँ मज़ा आया. पीपल्स जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द वर्क एंड काफ़ी हेक्टिक था. मैं कुछ शूट भी पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या शूट कर पाई. मैंने किसी को कैमरा देता, मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेना बिकॉज आई वॉज वे टू बिजी बिकॉज इट वॉज लाइक अ डिजाइनर कॉन्टेस्ट एंड देवर लाइक पीपल विच वर फ्रॉम द आउटसाइड. सो मुझे उनको हैंडल करना एंड एवरीथिंग एंड देर वॉज नो बडी एल्स अ पार्ट ऑफ मी. सो मुझे बहुत एक्चुअली हेक्टिक हो गया अभी ये. मतलब जितने मज़े कर रही थी ना कल पूरा दिन, आई थिंक आज उतना ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरे लिए लाइक ड्यूरिंग द शोज. एंड पूरा सुबह से मैं इतनी बिजी हूँ बट इट वॉज रियली फन. देन आई मेट माई लाइक ऑल द कलीग्स लाइक द वन हु विथ हुम आई हैव डन अ लॉट ऑफ शूट्स एंड उनसे मैं काफ़ी बार मिलती भी हूँ और जब भी मिलती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है. आई फील आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स. जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं बेसिकली उनको पता है कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एंड आई डोंट इंट्रैक्ट मच. बट विद दिस टाइम उनका इतने अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल. और मैं काफ़ी ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हूँ. तो आई मेट देम अगेन एंड मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर. वी वर चैटिंग, वी वर लाफिंग, वी वर डिस्कसिंग सो स्टूपिड थिंग्स. लाइक इट वॉज रियली फन. लाइक एट द एंड ऑफ द डे वॉट यू वर्क फॉर इज अप्रिशिएशन. योर वर्क शुड बी अप्रिशिएटेड, बनी अपनी जगह, बट द वर्क यू डू शुड बी अप्रिशिएटेड. एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबडी अप्रिशिएटेड माई वर्क. तो अभी तो सिर्फ यही है. अभी आई एम जस्ट फीलिंग टू बी रिलैक्स. मैं हॉट वाटर करूँगी, थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं बिकॉज आई एट सो मच. मुझे पहले बहुत भूख लगती थी, आई एट सो मच ऑफ इट. के पीपल, सो इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई मेड माई सम ग्रीन टी. सो अभी मैं वहाँ जाती हूँ, थोड़ा सी धूप सेकती हूँ, बहुत ठंडा हो रहा है रूम के अंदर. और मैं वहीं चलते हैं, पहले तो बाहर ही चलते हैं. वेल टुडे आज मेरा मतलब लास्ट डे भी नहीं, मतलब कुछ ही घंटे हैं मुझे बिफोर चेकआउट. तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इन्जॉय करूँ. सो आई जस्ट टुक अ बुक विथ मी. सो मैं सोच रही हूँ उसको यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं. देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ सिटिंग स्पेस मेड. मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, इन्जॉय करते हैं पूरी वाइब को. एंड बिकॉज अभी सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, सो जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय द वाइब. फिर हम लोग सब ब्रेकफास्ट करने आए, चाय, आलू के पराठे, एवरीथिंग. ओके, सो मैं अभी कुछ नहीं कर रही, बस मैंने जितना सामान पीछे आगे पीछे जो भी फैला है बैग से मैंने निकाला है, पैकिंग कर लेती हूँ बिकॉज अराउंड एक्चुअली चेकआउट टाइम तो 12 बजे है, बट जहाँ मेरे को आना है उनके एग्जाम से तो 1:30 बजे तक वापस आएंगे एग्जाम से. सो आई एम प्लानिंग कि मैं 1 बजे यहाँ से निकलूँ, तो 1 घंटा मैंने एक्सटेंड करा लिया. इट्स नॉट एन इशू. ओके पीपल, इट्स फाइनली द टाइम टू चेक आउट. एंड लाइक दीज टू डेज वर सो इनक्रेडिबल. मैंने बहुत सारी ऐसी मेमरीज क्रिएट करी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा. इट वॉज लाइक अ होल डिज़ाइनर कॉन्टेस्ट शो एंड आई वॉज मैनेजिंग इट ऑल अलोन. सुबह उठ के आई यूज टू वॉक अराउंड द लाइक ट्रीज, स्विमिंग पूल के पास, वहाँ पर चिड़ियों की चेकने के बाद एवरीथिंग. इट इज़ जस्ट सो सरियल. इट वॉज जस्ट सो सरियल. आई एम डेफिनेटली लीविंग इट विद अ हैवी हार्ट एंड ग्रेट मेमरीज आई हैव क्रिएटेड. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. सो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं एंड सर इज़ देयर टू ड्रॉप मी टू लाइक हाफ द वे टू हॉस्टल जाएंगे एंड आई बी गोइंग लाइक टेकिंग अ बस और समथिंग एल्स टू रीच द प्लेस वेयर लाइक माई जूनियर स्टेज. मैं वहाँ जा रही हूँ उनके वहाँ भी. रास्ते में सोच रही हूँ उनके लिए कुछ ले लूँगी, समथिंग टू ईट और समथिंग लाइक दैट, पेस्ट्रीज वगैरह. ओके पीपल, सो दिस सिटी हैज़ माई हार्ट. और अभी इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यहाँ पे पूरा. सब लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग ऑटो से बैठ के आते थे एंड एवरीथिंग एल्स, सारे फ्रेंड्स हम लोग, तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. सो मैं अभी कॉलेज के पास आ चुकी हूँ एंड ये मेरे जूनियर्स, हम लोग अभी लंच करने आए हैं. लंच हमारा आ चुका, लिखाती हूँ आपको. ये लंच खाने में लगे अब मैं जा रही हूँ उन लोगों को छोड़ के. बाय. बहुत गप्पे लड़ा ली मेरे सारे प्लान पे, लोगों ने चौपट फेर दिया. चौपट फेर दिया, चौपट कर दिया मेरे प्लान पे, पानी फेंक दिया. हाँ सेम चीज.
मेरे को कालसंग जाना था, मेरे को इन लोगों ने ही रोक लिया। मैं कालसंग चाय पिला। अरे हफीज ने भेज दिया ईशी करके। ये हफीज कह रही है। She has completed her project report. ओफ, इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही चल रही है अभी तक। ये देखो ये क्या कर रही है तुम। ठंड में जब बॉडी गर्म करना हो तो भागने की हिम्मत ना हो रही हो कहीं जगह। रवीन ने हमको भेज दिया, देख ले उसे। ये देखो सामने मेरा कॉलेज दिख रहा हो आप लोग को तो। ये पहाड़ के नीचे है और ये मेरा सामान पकड़ खड़ी के ऊपर। हाँ, और ये फोन में लगी है बिजी। हाँ, दूसरों का काम करने में। आपस में लड़ ली दोनों। ओके, सो आई रीच स्टेशन, देहरादून स्टेशन आ गई। और मैंने सोचा यहाँ पे कुछ चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी थी, क्योंकि बहुत ठंड था। मैं बस से आई थी तो मैंने कॉफ़ी और ये चीज़ी बॉल्स लिए थे। ओके, तो मैं स्टेशन पे आ गई थी एंड मुझे पता चला कि जो स्टेशन पे मैं फर्स्ट पे बैठी थी तो 5 नंबर पे गाड़ी आ रही है, मतलब ट्रेन लग गई है। तो अभी मैं वहीं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, वहीं जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने चिप्स वगैरह ले लिए ट्रेन में खाने के लिए, कुछ और वैसे खाया नहीं, मैंने डिनर नहीं किया है। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। सो दैट्स द ट्रेन, और अभी खुली नहीं है तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, जब ये खुल जाएगी तो जाऊँगी। जब तक यहीं इस चेयर पर बैठती हूँ मैं। सो बेसिकली मैंने डिनर वगैरह कुछ किया नहीं, तो आई एम ऑलवी हैविंग दिस एज माई डिनर। मैंने आके कॉफ़ी वगैरह तो पी थी, फिर चाय भी पी के आई थी, और अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ फैंटा। अभी मेरा ना पेट में फैंटा होने वाला है मुझे लग रहा है। सब कुछ पी लिया मैंने आज, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ। मतलब फुल चीट डे चलता है जब मैं बाहर आती हूँ तो।